गुड मॉर्निंग दोस्त, सृजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तत्वों का निष्कर्षण। तो आइए इस चैप्टर में हम अगले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट ओर्स, एक हिंदी हुआ सांद्रित, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्ष सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण, यानी धातु का निष्कर्षण, निष्कर्षण माने प्राप्त करना, धातु को प्राप्त करना किस से, सांद्रित अयस्क से। तो आपको याद होना चाहिए कि निष्कर्षण जो है वो धातु कर्म का दूसरा चरण है। धातु कर्म का तीन चरण होता है, पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा धातु का निष्कर्षण, तीसरा धातु का शुद्धिकरण। तो सांद्रण हम आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए हैं, आइए धातु कर्म के दूसरा चरण कौन है, धातु का निष्कर्षण। यहां पर एक वर्ड आया है निष्कर्षण। निष्कर्षण माने होता है प्राप्त करना, किसको प्राप्त करना, धातु को प्राप्त करना किस से, आयस के सांद्रण से। याद हुआ बाबू? तो क्या लिख सकते हैं कि धातु कर्म का वह चरण, धातु कर्म का वह स्टेप जिसके द्वारा सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। क्या लिखेंगे अगर एग्जाम में आ जाए कि धातु का निष्कर्षण क्या है, धातु के निष्कर्षण की व्याख्या करें, धातु के निष्कर्षण को अपने शब्दों में वर्णन करें, धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं, तो बोलो निष्कर्षण जो है धातु कर्म का केमा चरण है, दूसरा चरण है। तो हम लिख सकते हैं कि धातु कर्म का वह चरण, वह स्टेप जिसके द्वारा सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त किया जाता है, धातु को अलग किया जाता है। तो ऐसे स्टेप को, ऐसे चरण को क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्ष। अब धातु का जो निष्कर्षण है यानी सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए, सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करने की विधि को ही निष्कर्षण कहते हैं। तो यह निष्कर्षण, यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस दो चरणों में संपन्न होती है। आइए पहला सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, ऑक्साइड में बदलना, दूसरा ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करना, चलिए निष्कर्षण जो है वो दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, दूसरा चरण ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करना। अगर एग्जाम में आ जाए कि धातु का निष्कर्षण क्या है, धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं, धातु के निष्कर्षण की व्याख्या करें, धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर यही लिखेंगे
कि धातु कर्म का यानी मेटलर्जी का वह चरण वह स्टेप जिसके द्वारा सांद्रित अयस्क से धातु को अलग किया जाता है, धातु को प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे चरण को धातु का निष्कर्षण कहते हैं जो दो चरणों में संपन्न होती है, जो इस प्रकार है। पहला चरण सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, दूसरा चरण ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करना। यादव बाबू निष्कर्ष कोई बोलेगा कि निष्कर्षण का कितने चरण होते हैं, तो दो चरण होते हैं। पहला बताओ सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, दूसरा बताओ ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करना। कोई दिक्कत है तो आइए हम इसी बात को हम बोर्ड पर लिखते हैं दोस्तों। चलिए धातु का निष्कर्षण क्या लिखेंगे, धातु कर्म का वह चरण जिसके द्वारा सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे चरण को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। जो मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होती है। अब आइए पहला तो सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, दूसरा ऑक्साइड अयस्क से धातु को
एग्जाम में आ जाए कि इस धातु का निष्कर्षण क्या है, धातु का निष्कर्षण की व्याख्या करें, धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं, तो इतना लिख सकते हैं। बोर्ड पर एक नजर देखिए, आगे बाबू अगला बात देखिए, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का तरीका इस प्रकार है। चलिए, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का तरीका माने विधि मतलब मेथड कौन कौन है उसको बदले। कोई बोलेगा कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का कौन कौन सी प्रोसेस है, कौन कौन सी विधि है, कौन कौन सी मेथड है। आइए तो पहला देखते हैं, कैल्सिनेशन। चलिए, कैल्सिनेशन का हिंदी हुआ निस्तापन। यानी सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का पहला विधि क्या है, कैल्सिनेशन, जिसका हिंदी होता है निस्तापन। अगर आपको कोई बोल दे कि निस्तापन क्या है, तो उसको आप समझा सकते हैं कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का एक तरीका है। कोई बोलेगा कि निस्तापन क्या है, तो उसको बताइएगा कि निस्तापन जो है, निस्तापन सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का एक तरीका है। विस्थापन का अंग्रेजी क्या होता है, कैल्सिनेशन। अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, तो अगर अभी कोई पूछ दे कि निस्तापन क्या है बाबू, तो उसको आप समझा सकते हैं कि निस्तापन जो है, निस्तापन सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, एक मेथड है। आइए दूसरा तरीका देखिए, रॉस्टिंग, जिसका हिंदी होता है जारण या भर्जन। याद किए, बताओ सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का दो तरीका है, पहला निस्तापन, दूसरा जारण या भर्जन। कोई बोलेगा कि जार निस्तापन क्या है, तो उसको जवाब दीजिएगा कि निस्तापन सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का एक तरीका है। दूसरा, भर्जन या जारण क्या है, तो भर्जन या जारण सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का एक तरीका है। तो सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का क्या तरीका है, दो तरीका है, पहला निस्तापन और दूसरा भर्जन। निस्तापन और जारण एक प्रकार का मेथड है, दोनों का मुख्य कार्य है सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। पता बाबू, यहाँ पर दो विधि है। अगर कोई पूछे कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का तरीका बताइए, तो पहला तरीका है कैल्सिनेशन, जिसका हिंदी होता है निस्तापन। दूसरा है रोस्टिंग, जिसका हिंदी होता है भर्जन या जारण। है ना बाबू, निस्तापन और जारण दोनों का काम एक ही है,
दोनों सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। निस्तापन भी एक तरह, निस्तापन भी एक विधि है, एक तरीका है जो सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। जारण या भर्दन भी एक प्रकार का प्रक्रिया है जो सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। बढ़िया से समझो, निस्तापन भी एक तरीका है जो सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। बढ़िया से सुनो बाबू, दोनों एक तरीका है, ये भी सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है, ये भी सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। फर्क ये है कि ये ऑक्सीजन की अब्सेंटी में करता है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में करता है, ये अनुपस्थिति में, ये उपस्थिति में। चलो मेरे भाई अनु, बढ़िया से समझे तो अब विस्तार से समझाएंगे। निस्तापन कार्य करता है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और जारण, जारण या भर्जन एक कार्य करता है ऑक्सीजन उपस्थिति। बढ़िया से समझो, फिर समझाते हैं। सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलने का दो तरीका है। पहला तरीका है कैल्सिनेशन, जिसका हिंदी होता है निस्तापन। दूसरा है रोस्टिंग, जिसका हिंदी होता है भर्जन या जारण। अब चलिए, जारण अब निस्तापन भी एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है जो सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है, और जारण या भर्जन भी एक प्रोसेस है जो सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। दोनों का काम एक ही है। निस्तापन भी, निस्तापन प्रक्रिया भी, निस्तापन प्रोसेस भी सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है, और जारण भर्जन भी सांद्रता ऑक्साइड को सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। सुन बढ़िया से, ये भी सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है और ये भी सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। फर्क कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। यानी क्या लिख सकते हैं बाबू, कि निस्तापन एक प्रकार की विधि है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांद्रता यश को, बढ़िया से समझो बाबू, अगर कोई हमसे पूछ दे कि निस्तापन अभी ए हम लोग इसका छोटे मतलब क्या कहें, अभी शॉर्ट में इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, जब विधि हम पढ़ेंगे तो डीपली विस्तृत नॉलेज प्राप्त करेंगे। अभी इसका हल्का देखिए, अगर आ जाती निस्तापन क्या है तो, लेकिन निस्तापन एक प्रकार की विधि है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, निस्तापन एक प्रकार की विधि है, एक प्रकार की तरीका है, एक प्रकार की प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। निस्तापन एक विधि है, एक प्रकार की विधि है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। जारण या भर्जन भी एक विधि है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। ऊपर साथ एक बढ़ाओ फिर आगे बढ़ते हैं। सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलने का एक, ऑक्साइड में बदलने का तरीका इस प्रकार है। पहला कैल्सिनेशन, जिसका हिंदी होता है निस्तापन। दूसरा रोस्टिंग, जिसका हिंदी होता है जारण या भर्जन। आगे, निस्तापन एक विधि है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। और दूसरा पॉइंट, जारण या भर्जन भी एक विधि है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलता है। चलिए, और हम लोग जब निस्तापन और जारण पढ़ेंगे तो हम इसको और विस्तृत नॉलेज करेंगे। अभी हम पहला चरण ही, अभी चरण स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। बताओ, निष्कर्षण का पहला चरण था सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलना। तो सांद्रता यश को ऑक्साइड में बदलने का दो तरीका है जो हम आपको शॉर्ट में जानकारी दे दिए। अब दूसरे चरण पर हम गौर करते हैं। चलिए, निष्कर्षण का दूसरा स्टेप ऑक्साइड
आईड आई एस्क से ऑक्साइड आई एस्क से ऑक्साइड आई एस्क से धातु प्राप्त ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने का तरीका ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने का तरीका पहला है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस हिंदी में हुआ कार्बन अवकरण विधि। कार्बन अवकरण विधि या इसी को बोलिए स्मेल्टिंग, जिसका हिंदी होता है पर्गल। चलिए ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने का पहला विधि है कार्बन अवकरण विधि, इसी को कहते हैं पर्गलन विधि, है ना मेरे भाई। ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करने का पहला भी है ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने का पहला विधि कौन है, कार्बन अवकरण विधि या पर्गलन विधि। दूसरा देखते हैं बाबू, एल्यूमिनियम रिडक्शन प्रोसेस। एल्यूमिनियम अवकरण, एल्यूमिनियम अवकरण विधि, इसी का दूसरा नाम है गोल्ड असमिट, गोल्ड असमिट थर्माइट, थर्माइट, गोल्ड असमिट थर्माइट, थर्माइट विधि। यहां पर बाबू प्रोसेस छूट गया। चलिए गोल्ड असमिट थर्माइट प्रोसेस एगो और इसका नाम है बाबू क्या ची एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस। एल्यूमिनो थर्मिक विधि। चलिए तीसरा देखिए, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस स्व अवकरण विधि। चलिए अवकरण का दूसरा नाम आप बोल सकते अपचयन। अवकरण ना कह करके अपचयन,
कार्बन अवकरण विधि या कार्बन अपचरण विधि, अपचयन कार्बन अवकरण विधि न कह करके कार्बन अपचयन विधि भी कह सकते हैं, एल्युमिनियम अवकरण विधि न कह करके एल्युमिनियम अपचयन विधि भी कह सकते हैं, स्वयं अवकरण विधि न कह करके स्वयं अपचयन विधि भी कह सकते हैं। यानी ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने का तीन तरीका होता है। पहला कार्बन अपकरण विधि जिसका दूसरा नाम है परगलन, दूसरा एल्युमिनियम अपकरण विधि जिसका दूसरा नाम है क्या चीज, गोल्ड अस्मिट। गोल्ड अस्मिट, अस्मिट की गलती लिखाओ, अब सही है, गोल्ड अस्मिट थर्माइट विधि या एल्युमिनो थर्मिक विधि। बाबू ऑक्साइड अयस्क से, ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने का तीन तरीका है, तीन विधि है। पहला का नाम कार्बन अवकरण विधि या परगलन विधि, दूसरा का नाम एल्युमिनियम अवकरण विधि या गोल्ड अस्मिट थर्माइट विधि या एल्युमिनो थर्मिक विधि, तीसरा का नाम है स्वय अवकरण विधि या स्वय अपचयन विधि। यानी ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने का ये तीन तरीका है। पहला कार्बन अवकरण विधि जिसको परगलन विधि भी कहा जाता है, दूसरा एल्युमिनियम अवकरण विधि जिसको गोल्ड अस्मिट थर्माइट विधि या एल्युमिनो थर्मिक विधि भी कहा जाता है, तीसरा स्व अवकरण विधि जिसको कहते हैं स्वय अपचयन विधि। तो अब आइए परगलन विधि से कौन कौन सी धातु प्राप्त किया जाता है, कार्बन अवकरण विधि या परगलन विधि से कौन कौन सी धातु प्राप्त किया जाता है। तो आइए एमिन, एमिन माने मैग्नीज, एफी, एफी माने लोहा, है ना बाबू, जेडन, जेडन माने जिंक, एसएन, एसएन माने टीन, पीबी, पीबी माने लेड। मैग्नीज है ना बाबू, मैग्नीज, लोहा, जिंक, टीन, लेड, धातु को कार्बन अपकरण विधि या परगलन विधि से प्राप्त किया जाता है। अगर कोई बोलेगा कि ऑक्साइड अयस्क से लोहा धातु को, ऑक्साइड अयस्क से लोहा धातु को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो परगलन या अपकरण, समझे बताओ, कार्बन अपकरण विधि या परगलन विधि से कौन कौन से धातु, मैग्नीज, आयरन, जिंक, टीन, लेड, इन सभी धातु को परगलन या कार्बन अपकरण विधि से प्राप्त किया जाता है। इसमें आप मुख्य रूप से ये तीन याद रखिएगा, मुख्य रूप से तीन को, कौन कौन, लोहा, टीन, जिंक, लोहा, टीन, जिंक। अगर कोई बोल दे कि बताओ बाबू ऑक्साइड अयस्क से जिंक धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि, ऑक्साइड अयस्क से जिंक धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होना चाहिए कार्बन अवकरण विधि या परगलन विधि। याद हो गया, या पूछेगा ऑक्साइड अयस्क से तीन धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन अवकरण विधि या परगलन विधि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मेल्टिंग। अब चलिए एल्युमिनो थर्मिक विधि या गोल्ड अस्मिट थर्माइट विधि या एल्युमिनो थर्मिक विधि, बताओ बाबू यहां पर मुख्य रूप से दो गो, क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम और मैग्नीज। इसमें आप याद रखिएगा क्रोमियम आएगा कि क्रोमियम विधि, हाँ बाबू, ऑक्साइड अयस्क से क्रोमियम धातु को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आंसर होना चाहिए एल्युमिनो अवकरण विधि या गोल्ड अस्मिट थर्माइड विधि या एल्युमिनो थर्मिक विधि, तीनों की है। ज्यादा आपको ये पूछेगा, है ना बाबू, पूछेगा गोल्ड अस्मिट थर्माइड विधि से किस धातु को प्राप्त किया जाता है, तो क्रोमियम को। एकरा में कौन कौन आता है, मैग्नीज, आयरन, जिंक, टीन, लेड, जिसमें तीन को आपको याद रखना है, लोहा, जिंक, टीन, लोहा, जिंक, टीन को परगलन विधि द्वारा, क्रोमियम को गोल्ड अस्मिट थर्माइड विधि द्वारा। आएगा कि क्रोमियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो किससे, गोल्ड अस्मिट
थर्माइट विधि। अब आइए तीसरा है, तीसरा स्व अवकरण विधि। स्व अवकरण में तो कम विद्युत धनात्मकता, कम या निम्न लिखिए ना, निम्न विद्युत धनात्मकता, निम्न विद्युत धनात्मक, निम्न विद्युत धनात्मक तत्व में आपको आता है Hg माने पारा, उसके बाद कॉपर, ओकर बाद Pb। बता रहे, बता बाबू, निम्न विद्युत माने कम विद्युत धनात्मक तत्व में कौन कौन? पारा दिखाई दे रहा, पहले देख लीजिए, सही है। निम्न विद्युत धनात्मक तत्व में पता बाबू, निम्न विद्युत धनात्मक तत्व को स्व अवकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो निम्न विद्युत धनात्मक तत्व में आपको आ गया पारा, कॉपर, लेड, पारा, कॉपर, लेड, पारा, कॉपर, लेड। इसमें आपको याद रखना है कॉपर, यहां याद रखना है क्रोमियम, यहां तीन को याद रखना है। तो बता बाबू, लोहा धातु को प्राप्त करेंगे परगलन से, तीन को प्राप्त करेंगे परगलन से, जिंक को प्राप्त करेंगे परगलन से, क्रोमियम को प्राप्त करेंगे गोल्ड अस्मित थर्माइट विधि से, कॉपर को प्राप्त करेंगे स्वयं अवकरण विधि से। आपसे कोई बोलेगा ऑक्साइड अयस्क से कॉपर को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो स्वयं अवकरण विधि का। ऑक्साइड अयस्क से क्रोमियम को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो क्या बोलेंगे? गोल्ड अस्मित थर्माइट विधि। ऑक्साइड अयस्क से टिन धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? तो परगलन विधि से। यानी ऑक्साइड अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए तीन विधि है। पहला कार्बन अवकरण विधि, जिसको परगलन विधि भी कहते हैं। इस विधि से मुख्य रूप से मैग्नीज, आयरन, जिंक, टीन, लेड धातु को प्राप्त किया जाता है। दूसरा एल्मिनोथर्मिक विधि, जिसको गोल्ड अस्मित थर्माइट विधि या एल्मिनोथर्मिक विधि कहा जाता है। इस विधि से मुख्य रूप से मैग्नीज और क्रोमियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तीसरा स्व अवकरण विधि, जिसके द्वारा कम विद्युत धनात्मक तत्वों को प्राप्त किया जाता है। कम विद्युत धनात्मक तत्वों में पारा, कॉपर और लेड धातु आता है। तो याद किया जाए, लोहा धातु को प्राप्त करेंगे परगलन से, क्रोमियम को प्राप्त करेंगे गोल्ड अस्मित थर्माइट विधि से, कॉपर को प्राप्त करेंगे स्वयं अवकरण विधि से। कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करें।